ओडिसारे गुजरात पटीदार नेता हार्दिक पटेल आसंता काली बारीपदार कुडुमी सेनार एक कार्यक्रम में जोगदेवे हार्दिक कुडुमी को जनजातिर मान्यता प्रदान करने दावी में हार्दिक ओडिसा आसी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भेटी केन्द्र सरकार को एने सुपारिश करने को इच्छा प्रकाश कर हार्दिक कहते समस्त जातिर सामान अधिकार रही कि भोट पर जाति को आधार करने ठिक नुहे देशपाई जे काम कर सहित से अच्छा हार्दिक भेटी आम प्रतिनिधि रश्मिता दास निर्दिष्ट कार्य के लिए ही आए हैं लेकिन आपसे सीधा सवाल करना चाहूंगी जिस तरह से आप मुद्दा लेकर इलेक्शन में लड़े और जो प्रकार देखा गया कि बीजेपी को टक्कर मिला लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक रह गया तो कहां चूक रहा करके आप देख रहे हैं। धाधर का जो रोग होता है ना वो शरीर पर लगता है उस पर कितनी भी दवाई लगाओ तुरंत नहीं चला जाता। हमने दो साल में बहुत सारी धाधर को हटाने का प्रयास किया है धीरे धीरे हटाएंगे। हमारा एक ही मुद्दा है कि किसानों को सही फसल के दाम मिले स्वामीनाथन की रिपोर्ट आयोग लागू हो किसानों को रोजगार मिले बस ये मुद्दा खत्म हो जाएगा कल से देश में आंदोलन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि हार्दिक पटेल जो कि एक यंग मास हैं और वो अगर कास्टिज्म को ऊपर बिलीव करेंगे तो फिर बाकी लोगों को क्या आप राय दें। मेरा देश जातियों से बना और मैं 100% कास्ट पॉलिटिक्स में यकीन रखता हूँ क्योंकि मेरे नाम के पीछे पटेल लिखता है किसी के नाम के पीछे महंतो लिखता है कोई ब्राह्मण लिखता है कोई राजपूत लिखता है तो जात तो बड़ी महत्व रखती है। रिजर्वेशन रखना भी जरूरी है जात के नाम पर वोट भी जरूरी है जात के नाम। मैं ये कहता हूँ कि जिसकी जितनी जाति इस देश के अंदर उसको इतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए कास्ट पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उस पर वोट नहीं लेने चाहिए लेकिन सबको बराबरी का अधिकार तो मिलना चाहिए जो हमारे संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है। वोट किस आधार पर देना चाहिए डेवलपमेंट के आधार पर। जब सबको समान अधिकार मिलेगा अगर किसी को रोजगार मिलेगा तो उसको लगेगा कि सरकार ने मुझे अच्छा रोजगार दिया तो वो अपने आप वोट करेगा कहना नहीं पड़ेगा कि तुम इसलिए मुझे वोट करो। अच्छा अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए जैसे कि कहा जाता है आप ही के ही कुछ क्लोज लोग आपके ऊपर एलिगेशन लेकर आए थे कि आप कांग्रेस के साथ मिल गए हैं या आपने उन लोगों को धोखा दिया है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। मेघालय में तो देखा ना सिर्फ दो ही सीट आई थी गवर्नमेंट बना ली अगर कोई कांग्रेस का उम्मीदवार या फिर कांग्रेस का जीता हुआ व्यक्ति अगर बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा तो वो दूध का धुला हो गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर दाऊद अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए ना तो 1993 का जो बम विस्फोट था ना उसको चिकनगुनिया से हुआ था ये सब ये साबित कर देंगे। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे आप अपना डिस्टेंस बना के रखे हैं बोथ बीजेपी और कांग्रेस से। मुझे मेरे देश को सोने की चिड़िया बनानी है चाहे उसके लिए मुझे किसी के सामने लड़ना पड़े मैं तैयार हूँ। अच्छा लास्ट क्वेश्चन थर्ड फ्रंट के बारे में क्या कहेंगे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होना जरूरी है। मैंने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है लेकिन मेरे लिए जो सरदार पटेल है जो गांधी जी ने जो भगत सिंह ने जो इस देश का सिनारिया देखा था जिस देश को समझा था बस उस देश को बनाने के लिए मुझे आपको इन सब